भूमिगत सोने का अंडा। चमनलाल और उसकी पत्नी बहुत गरीब थे। अपनी छोटी छोटी बकरियों और मुर्गियों से वो बहुत प्यार करते थे। मुर्गियों के अंडे बेचकर, बकरियों का दूध बेचकर उनका गुजारा चलता था। मगर धीरे धीरे पैसे की कम आमदनी के कारण उनके सर पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा था। चमनलाल की पत्नी एक दिन उससे कहती है, कर्जा तो बढ़ता ही जा रहा है जी। आज वो सुनार भी आया था, कह रहा था कि जो सोना गिरवी रखा है उसे जल्दी छुड़ाओ या फिर ब्याज समय पर दो। 6 महीने हो गए, ब्याज नहीं दिया है हमने। कहीं वो हमारा सारा सोना न रख ले, कुछ तो करो। चमनलाल बहुत सोचता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, तुम तो जानती ही हो काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है। क्यों ना हम कुछ मुर्गियों और बकरियों को बेचकर अपना कर्जा चुका दें। अगर इन्हें ही बेच दिया तो खाने का क्या, क्या खाएंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे, कुछ सोचा भी है? उन दोनों की बातें बकरियां और मुर्गियां बहुत ध्यान से सुन रही थी। एक मुर्गी जहां बैठी हुई थी लगातार वहां पर खोदना शुरू करती है। अरे अरे, ये मुर्गी क्या कर रही है, क्या खोद रही है? काफी देर तक चमनलाल की पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है और जाकर दोनों सो जाते हैं। मुर्गी मानने को तैयार ही नहीं थी, वो पूरी रात वहाँ खुदाई करती रही। सुबह जब चमनलाल और उसकी पत्नी बाहर आकर देखते हैं, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे राम, अजी सुनते हो, देखो देखो, जहाँ पर मुर्गी कल रात से खुदाई कर रही थी वहाँ तो सोने के भूमिगत अंडे पड़े हैं। क्या कहा, सोने के अंडे? कहीं तुम सपना तो नहीं देख रही? अरे नहीं, चलो मेरे साथ। दोनों पति पत्नी बाहर आते हैं और मुर्गी हंसते हुए उन अंडों की तरफ इशारा करती है। हाय राम, लगता है इसने हमारी दुख भरी कहानी सुन ली और एक उपाय निकाल लिया है। जल्दी इन सोने के अंडों को निकालो और सुनार के पास जाओ। चमनलाल अपनी पत्नी की बात मानता है। सोने के अंडे सुनार को देकर बहुत सारे पैसे ले आता है, पुराना सोना भी छुड़वा लेता है और नई मुर्गियां और बकरियां लाकर पालने लगता है। अब उनके दिन बदल गए थे, गरीबी दूर हो गई थी। वो मुर्गी जो हमेशा खुदाई कर रही होती थी, उसने वो अंडे देकर उन पर बहुत बड़ा एहसान किया था। अब वो केवल मुर्गी नहीं थी बल्कि घर का सदस्य थी। अरे मुर्गी, तुम तो भगवान का रूप हो, हमारे दिन बदल दिए। तुम्हारा एहसान इस जन्म में कैसे उतारेंगे? अब मुर्गी को हर कोई चाहने लगा। बकरियां, नई मुर्गियां और उसके सारी मुर्गियां साथी उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगे। अरे वाह मुर्गी, तुमने कमाल कर दिया। दोनों पति पत्नी कितने खुश हैं, देखो। ये हमारा इतना ख्याल रखते थे, हम तो इनके लिए कुछ नहीं कर सके, मगर तुमने ये जो भूमिगत अंडे इन्हें दिए हैं, ऐसा लगता है इस घर में खुशियां फिर से वापस लौट आई हैं। तुम्हारा हम सब की तरफ से शुक्रिया। चंदनपुर गांव में राम और सलीम नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों गांव में एक साथ ही घूमा करते थे, स्कूल पढ़ने इकट्ठे जाया करते थे और शाम को एक साथ ही खेला करते थे। जब लोग अपने बच्चों को झगड़ते हुए देखते तो लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे, अबे बिट्टू देख ले, लड़ता ही रहता है हमेशा, तेरा कोई दोस्त भी नहीं बनता। राम और सलीम को देख ले, कितने अलग अलग हैं दोनों के परिवार, लेकिन फिर भी दोनों में कितनी अच्छी दोस्ती है। दोनों हमारे गांव में एकता की मिसाल हैं, सीखो कुछ उनसे। एक ही क्लास में पढ़ने के कारण भी दोनों में कभी पढ़ाई के लिए या किसी और चीज़ के लिए झगड़ा नहीं होता था। कई बार तो स्कूल के टीचर भी परेशान हो जाते थे कि वो दोनों में से किसको अव्वल लाएं। प्रिंसिपल साहब, बड़ी दिक्कत की बात है, ये देखिए राम और सलीम दोनों के नंबर बराबर हैं, अब बताइए हम क्या करें। अरे करना क्या है मिश्रा जी, दोनों को अव्वल ले आइए, दोनों को फर्स्ट शो कर दीजिए। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास इतने दो होनहार बच्चे हैं। राम बहुत अच्छे मिट्टी के खिलौने और मिट्टी की चीजें बनाया करता था और सलीम बांस की बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाया करता था। सलीम, देख मैंने कितना अच्छा मिट्टी का खिलौना बनाया है। वाह राम, तुमने तो बहुत अच्छा बनाया, देखो देखो मैंने भी बांस का बनाया है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे खिलौने जैसा है। क्यों ना हो, हम दोनों दोस्त जो हैं यार। ऐसा कहकर दोनों हंसने लगते हैं
और खुश हो जाते हैं। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों को बांस और मिट्टी का हैंडपंप बनाने के लिए कहा गया और जो उसमें अव्वल आएगा उसे 1,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की गई। राम और सलीम दोनों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की सोची। प्रतियोगिता वाले दिन सभी बच्चे बांस और मिट्टी का हैंडपंप बनाने की तैयारी करके आए और सभी बच्चों ने प्रतियोगिता जीतने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे हैंडपंप बनाए, लेकिन सभी बच्चे बांस और मिट्टी दोनों का एक ही हैंडपंप बनाने की कोशिश कर रहे थे और इधर राम और सलीम दोनों ने अलग अलग दो हैंडपंप बनाए। जल विभाग के मुख्य अधिकारी उस दिन उस प्रतियोगिता में जज बनकर आए थे। जब उन्होंने सभी बच्चों के बनाए हैंडपंप देखे तो उन्होंने सभी बच्चों की तारीफ की, लेकिन सबसे अधिक तारीफ उन्होंने राम और सलीम के बनाए अलग अलग मिट्टी और बांस के हैंडपंप की। अरे वाह, ये दोनों हैंडपंप किसने बनाए हैं प्रिंसिपल साहब? सर, ये हमारे दो होनहार बच्चे हैं, राम और सलीम। मैं इन दोनों बच्चों को इनाम देना चाहता हूँ। मैं जैसा बांस और मिट्टी का हैंडपंप चाहता था इन दोनों बच्चों ने वैसा ही बनाया है। राम और सलीम को बुलाया जाता है और जल विभाग के मुख्य अधिकारी उन दोनों को अव्वल घोषित करते हैं और दोनों को 1,000 रुपये के इनाम के साथ ही दोनों के घरों में हैंडपंप मुफ्त लगाने की भी घोषणा की जाती है। हैंडपंप लगने की बात सुनकर दोनों बच्चों के परिवार वाले खुश हो जाते हैं क्योंकि बांस और मिट्टी के हैंडपंप की वजह से उन लोगों की पानी की समस्या दूर जो हो गई थी। गोरखपुर नाम के एक गांव में सुमित करके एक चोर रहता था। उसके हाथ बिल्कुल छोटे थे लेकिन वह चोरी करने में बहुत माहिर था। वह छोटे मोटे चोरियां करके जीता था। उसी गांव का रहने वाला था राजू। राजू का मुर्गियों का फार्म था लेकिन वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजू का भांजा कृष्णा उसके पास आया और ऐसा बोला, क्यों राजू मामा, क्या हुआ? आजकल तुम बहुत कमजोर दिख रहे हो। क्या करूं कृष्णा, अभी मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। मुर्गियों का देखभाल भी नहीं कर पा रहा हूं। मुझे शक है कि कोई मेरे मुर्गियों को चोरी कर रहा है। बस इतनी सी बात, तुम किसी और को काम पे लगाओ। वह मुर्गियों का देखभाल और पहरेदारी भी करेगा और तुम आराम से सो सकते हो। मुझे मुनाफा ही बहुत कम मिलता है, ऊपर से उसको तनख्वाह भी देना पड़ेगा। ये सब नहीं होगा रे। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं फिर मिलूंगा। ऐसा बोलकर कृष्णा चला गया। अगले ही दिन सुमित चोर एक सेठ जी के घर में घुसकर उनके अलमारी से सोना चांदी और सारे पैसे चोरी करके राजू के मुर्गियों का फार्म की तरफ भाग रहा था। जब फार्म तक पहुंचा वह गिर जाता है, तभी उसका हाथ एक पत्थर को लगता है। तुरंत उसके हाथ जादू से लंबे हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या, मेरा हाथ इतने लंबे हो गए हैं? सुमित की चिल्लाने की आवाज सुनकर राजू फार्म से बाहर आता है। सुमित की लंबे हाथ देखकर चिल्लाने लगता है, अरे भूत भूत भूत, बचाओ बचाओ। अरे चाचा, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं सेठ जी के यहाँ चोरी करके यहाँ आकर गिर गया। पता नहीं उस पत्थर को छूते ही मेरे हाथ लंबे हो गए हैं, मुझे बचा लो। बेटा, वो चुराया हुआ धन मुझे दे दो, मैं जाकर सेठ जी को दे दूंगा और तुम मेरे मुर्गियों के फार्म में काम करना, क्या पता तुम्हारे सारे पाप धुल सकते हैं। ऐसा सुमित राजू के फार्म में काम करने लगा। एक दिन राजू के भांजा कृष्णा राजू के फार्म में आता है। उसे पता नहीं था कि सुमित काम पे लग गया है, इसीलिए वह एक टोकरी में 10 मुर्गियों को डालकर चुपके चुपके से चुरा कर निकल रहा था। तभी सुमित कृष्णा को देख लेता है और उसके लंबे हाथों से कृष्णा को मुर्गियों के साथ पकड़ लेता है। अरे छोड़ दो मुझे, कौन है? हाथ तो दिख रहे हैं लेकिन आदमी कहाँ है? क्यों रे, एक चोर के सामने ही चोरी? रुक, अभी तेरा मजा चखाता हूँ। ऐसा कृष्णा को उसके लंबे हाथों से एक पेड़ को बांधकर राजू को बुलाता है। ओ मेरे बांझे, तो तुम हो मेरे फार्म में चोरी करने वाले? रुक, अभी तुमको पुलिस के यहाँ लेके जाता हूँ। सुमित बेटा, अच्छा काम किया है तूने, ऐसा ही अच्छा काम करते रहना। राजस्थान के एक गांव में भीमा करके एक किसान था।
उसके पास एक आम का बगीचा था। वह उसी का देखभाल करते हुए अपने परिवार को चलाता था। एक साल आम का फसल बड़े अच्छे से उगी। तभी भीमा बहुत खुश हुआ। उसे देखकर उसके पास आम का व्यापार करने वाला एजेंट किशन आया। क्यों भाई भीमा, इस साल आम बड़े अच्छे उगे हैं? पेड़ में सिर्फ आम ही आम दिख रहे हैं। बोलो, मेरे लोगों को कब भेजूं तुम्हारे पास? सही दाम बोलकर अभी के अभी ले जाओ किशन भाई, इसमें क्या बात है? आपको किसने रोका? मार्केट में दाम इतना कुछ अच्छा नहीं है भीमा, क्योंकि इस साल सभी किसान के आम का फसल अच्छा हुआ है, इसीलिए 1 किलो के ₹20 दूंगा। डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो उतना ही पड़ता है। ये सरासर अन्याय है भाई, मुझे मालूम है आप मार्केट में किलो आम कितने में बेचते हो, कम से कम 100 से 120 रुपए तक बेचते हो, इतना मुनाफा लगाते हो, लेकिन हमें सिर्फ 20 रुपए? आप जो पैसे देते हैं वो मेरे मजदूरी का भी नहीं निकलेगा। फिर भी मेरे आम नंबर 1 क्वालिटी के हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं, कम से कम 50 देना है तो बोलो, वरना किसी और को बेचूंगा। तुम मुझे छोड़ के ये आम किसी और को नहीं बेच सकते, ये सब एक सिंडिकेट है, तुमको कोई नजदीक भी नहीं आने देगा। ऐसा नहीं चलेगा भाई, चुपचाप मुझे बेच दो, मुझे मेरे दाम में बेच दो, नहीं तो पक्षियां और बंदर खाने के बाद सिर्फ छिलका मिलेगा तुमको। ठीक से सोच कर बताना। घर आकर भीमा किशन सेठ के बारे में सब कुछ अपने बेटा सुमन और पत्नी सीता को बोला। तभी सीता बोली, वह किशन एक कमीना है जी, वो जो बोलेगा वही करेगा, उसी को समझा कर 1-2 रुपए ज्यादा मांग लीजिए और सारा माल उसी को बेच दीजिए, नहीं तो पूरा नुकसान हो जाएगा। क्या माँ, तुम हमेशा डरती हो, हमारे आम का बगीचा हाईवे के बगल में ही है, लोग हमेशा घूमते ही रहते हैं। पापा, क्यों ना हम उस आम के रस को निकालकर लोगों को सीधा बेचें? क्या आम का रस? अगर लोग नहीं आए तो हम धोबी की कुत्ते की तरह न घर का न घाट का रह जाएंगे। माँ देखो, हम डरेंगे तो लोग और डराते हैं, मैं अपनी पापा की मेहनत का फल पाकर रहूंगा। अगले ही दिन सुमन उसके कुछ दोस्तों के साथ पापा से मिलकर बगीचे के बाहर आम का जूस बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर रोड पर जाने वाले लोग बगीचे के पास आकर आम का फ्रेश जूस पीना शुरू कर दिया। जूस पसंद आकर वहीं पर लगाया हुआ आम भी खरीद कर लेके जा रहे थे। देखते ही देखते भीमा का सारा फसल 2 ही दिन में बिक गया। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और सुमन की चतुरता देखकर तारीफ करने लगे।